आज आम बनवा गोटे सिंपल अंडा आलुर तरकारी किंतु ता टेस्ट पूरा डिफरेंट। ए रेसिपीटा स्पेशियली से ही जो मैंने चाहती कम टाइम कि बढ़िया खावा खावाई स्पेशियल बैचलर आ जो मैंने हॉस्टल रोचे से वीडियो को फुल देखु। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तेज चलत आरंभ करवा आज रेसीपी। मुझे ये नहीं जाइए अंडा, मुझे चार्टा अंडा नहीं पूरा भल भाव सीझे नहीं गोटे बड़ सैज पिज को पूरा भल भाव पेस्ट बनई देती। ता छड़ा गोटे बड़ चामच अदा रसुण पेस्ट आ गोटे छोट सैज टमाटर को पूरा भल भाव बाटि नहीं जाइए सीझे कि आलु। आपण आलु को स्किप करेंगे खाली अंडार रेसीपी बन पारे। मुझे कड़ाई में प्रथम तेल दे दूँ। आम प्रथम अंडा को भाजी ना मुझे आड करदे दुई रु तीन चामच सोरस तेल। ये टी अधिक तेल दरकार हम आमको अंडा में बढ़िया कलर आसपा। मुझे अल्प टिके लंका गुंड आल्प टिके हलदी गुंड आड करदे। फ्लेम को ये पूरा लो रखी एवं ये अंडा को आड करदे। अंडार पूरा कलर चेंज होगा पर्यटन पूरा भल भाव भाजी होगा पर्यटन ये सब कुछ भाजी ना। फ्लेम को बिल्कुल भी मीडियम कि हाई करें ना आम मसला जल जाव आम अंडार टेस्ट पूरा खराब हो। देखिए पड़ते अंडार कलर धीरे धीरे चेंज हो गला आउ एटा फ्राए मध्य भल भाव एवं ये सब कुछ मुझे तेल रू का सीझे रखि आलू को भाजी दूँ। आपड़ चाहिए आलू को डायरेक्टली भाजी पारे। मुझे सीझे ले जाइली कहीं द्वारा आमको भाजवाई कम टाइम लगे आउ बे ऑयली भी हेनी से मुझे सीझे नहीं जाइली तापर या भाजी नौ। मुझ आलू को 60-70% सीझे पूरा सीझे कहीं आम तेल में भाजवा तापर पुणे तरकारी भी पड़ो से आलू सीझे से अल्प ही सीझे। देखी पड़ते ये आलू मैं पूरा भल भाव भाजी हो कलर तो चेंज हो जाए तेल में पड़ला आठ फ्राए मैं हो जाए आम आलू एवं आलू को तेल रू का से सेम तेल में अल्प टिके जीरा दे दूँ। एवं ये आड करदे कि गुजराती मुझे दुईटा गुजराती नहीं गोटे दालचीनी नहीं जाइए। एवं ये सब कुछ टिके टाइम भल भाव भाजीदेला ये आड करदे पिंजर पेस्ट को। आपण पेज को पूरा चॉप करके काटिक मध्य नहीं पारे किंतु पेस्ट यार बहुत बढ़िया लगे ग्रेवी गोटे बढ़िया थिकनेस आसे से मुझे पेज को पेस्ट करके नहीं जाइए। पेज को ये भल भाव भाजी ना जदि आप लगे तेल ये कमी जाइए आउ टे तेल आड करेंगे। ननभेज जदि सब सोरस तेल रहा है तो बेसी टेस्ट आसे से मुझे सोरस तेल यूज करुच्ची। पिंजर पूरा कलर चेंज होगा पर्यटन या चार पाँच मिनट से लो रू मीडियम फ्लेम भाजवा। ये देखी पड़ते पिंजर सब पाँच मर जाए पिंज आम भल भाव भाजी हो जाए। ये मुझे आड करदे गोटे बड़ चामच अदा रसुण पेस्ट। एवं अदा रसुण पेस्ट को यार कंचा बास्ना जावा पर्यंत भल भाव भाजी ना चार पाँच मिनट में यार बास्ना पलैबर आम नेक्स्ट प्रोसेस को जी। ये आम पिंज आदा रसुण पेस्ट पूरा भल भाव भाजी ये बढ़िया कलर देवाई मुझे नहीं जाइए अल्प टिके बटर। आपड़ चाहिए ये जगह रिफाइंड ऑयल नहीं पारे से मुझे अल्प टिके लंका गुंड मुझे काश्मीर लंका गुंड नहीं अल्प टिके हलदी नहीं जाऊँ। एवं ये सब कुछ भल भाव भाजी ना जहाद्वारा यार पूरा बढ़िया कलर आसको एक्सट्रा किसी भी फूड कलर आड करने को पड़ोनी। देखी पड़ते लंका गुंड पड़ला के बढ़िया कलर आसी पूरा रेड हो जाए। टिके टाइम भाजला मुझे टमाटो प्योरी को आड करदे। आपड़ टमाटो प्योरी बदल में चप करके काटिक नहीं टमाटर कोड करेंगे। एबे ए सब मसला को 8-10 मिनट पर्यंत लो टू मीडियम फ्लेम भाजी ना मसला आम जिते लेट जाए कषि हे तरकारी टेस्ट सेते बेस भल आसो। एबे किसी गुंड मसला आड करदे जमीक मुझे प्रथम नहीं जाऊँ गोटे चामच लुण आप टेस्ट हिसाब से लुण आड करेंगे। गोटे चामच नहीं जाइए मुझे धनिया गुंड आउ गोटे चामच मुझे नहीं जाइए चिकेन मसला। चिकेन मसलार बास्ना बहुत बढ़िया आसे आर टेस्ट मैं बहुत बढ़िया आसे से निश्चय आड करेंगे। एबे ए सब कुछ भल भाव टिके टाइम मिसाई ना दुई रु तीन मिनिट ए सब कुछ भल भाव पुणी फ्राए करना। एवं ये टिके टाइम भाजला मुझे आड करदे अल्प टिके पा जहाद्वारा मसलाटा आम भल भाव कषि हे फ्राए हो पार आउ मसला लगभग डर मत रही। एवं या भल भाव मिसेकि पाँच रु सात मिनिट पर्यंत से घोड़े छाड़ दौर। फ्लेम को लो टू मीडियम रखला पर मझे मझे टिके चलाउथिबे जहाद्वारा बिल्कुल भी तल लगे। 8-10 मिनट पर मैं कवर काढ़ी दूँ। देखी पड़ते हैं तेल यार ऊपर को आसीगला आम मसला अलमोस्ट रेड हो जाए किंतु आम या आउ टे टाइम कसा से मझे एथे टे पा कमी जाता तो से आउ टे पा दे जहाद्वारा मसलाटा भल भाव फ्राए हो पारे। एवं भी तो आम मसला कम्प्लीटली रेडी मुझे फ्लेवर पर आउ बास्ना दे दूँ अल्प टिके कसूरी मेथी जदि अच्छे आपड़ आड करेंगे ना स्कीप करेंगे। कसूरी मेथी आड करने द्वारा यार बास्ना बहुत बढ़िया आए से मुझे आड कर
ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଗୋଳେଇକି ପୁଣି ଆକୁ ସେମିତି 7-8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି 7-8 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏହାର କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ମସଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ଆଉ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ରେସିପି ବନେଇବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ମସଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ମସଲାରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁରେ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ। ସେମିତି ତ ଅଣ୍ଡାରେ ବେଶୀ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁରେ ପୁରା ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ। ପୁରା ସଫ୍ଟଲି ଏଇଠି ଗୋଳେଇବେ, କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡା ଆମର ବହୁତ ନରମ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫାଟିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ରହିବ। ଏବେ ଆକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ସେମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏହାର କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି କିଛି ଗରମ ପାଣି। ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ଯେତିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଧିକା ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଗ୍ରେଭି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏଠି ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ୁଛି 5-7 ମିନିଟ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏକ ବିଲକୁଲ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ପୁଣି କଭର୍ କାଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଥିବ, ମାନେ 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ। 6-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏହାର କଭର୍ କାଢ଼ିଦେଇଛି। ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁର ଝୋଳ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରା ଲୋ ରଖିଦେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି କିଛି ଚପ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଭେଜ୍ ରେସିପି ହେଉ କି ନନ୍ ଭେଜ୍ ରେସିପି, ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଇଜିଲି ବନେଇଗଲା ଆଉ ଏ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଜି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାର ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି, ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇଯିବେ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ନାହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ମିକ୍ସର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମସଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ କରିଦେଉଛି ବନ୍ଦ ଆଉ ଏବେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଲଭର୍ସ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରିନେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ସର୍ଭିଂ ବଲ୍କୁ କାଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ସହିତ। ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁର ଝୋଳ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।